देश इस वक्त बुरे संकट से गुजर रहा है। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जीडीपी में 23.9 की गिरावट दर्ज की गई है और ये आंकड़ा डराने वाला है। पिछले 6 महीने में 2 करोड़ लोगों से रोजगार छिन गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एसएससी छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बात की शुरुआत हुई पीएम मोदी की मन की बात से। 30 अगस्त को बीजेपी के यूट्यूब चैनल पर पीएम मोदी की मन की बात को धड़ाधड़ डिसलाइक करने के बाद छात्रों ने ट्विटर पर स्पीकअप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट ट्रेंड करवाया। इस हैशटैग के साथ छात्र लगातार अपनी बात लिख रहे हैं। दरअसल पूरा विवाद कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की तरफ से होने वाली परीक्षा प्रक्रिया और भर्तियों में हो रही लेट लतीफी को लेकर हुआ है। साल 2018 के मई में सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। एक साल बाद यानी कि 2019 के जून में टीयर 1 का एग्जाम हुआ। टीयर 2 का एग्जाम उसी साल 29 दिसंबर को आयोजित किया गया और परिणाम के लिए 8 मई का दिन निर्धारित किया गया था। लेकिन 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी परिणाम की घोषणा नहीं हुई है, जबकि टीयर 3 का एग्जाम अभी भी बचा हुआ है। वहीं रेलवे ने फरवरी 2019 एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में 35,208 पोस्ट की वैकेंसी निकाली। इसके जरिए क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर आदि पोस्ट के लिए भर्ती होती है। इस परीक्षा के लिए देश भर से लगभग 1,26,00,000 आवेदकों ने आवेदन दिए। इसकी परीक्षा जून और सितंबर 2019 के बीच होना था। वैकेंसी निकले 1 साल हो गए हैं, लेकिन एग्जाम अब तक नहीं हुआ है। रेलवे ने इसी वैकेंसी के साथ ग्रुप डी के लिए 1,03,769 पदों की वैकेंसी निकाली। देश भर से फिर से लगभग 1,15,00,000 आवेदन आए। सितंबर अक्टूबर 2019 में एग्जाम को शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। यही वजह है कि दोनों ही परीक्षाओं के अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसएससी केंद्र सरकार के विभागों में भर्ती करने वाली एक प्रमुख संस्था है, जिसका काम हर साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्जाम करवाना होता है। इस परीक्षा को 4 चरण में आयोजित किया जाता है, जिसे टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कहा जाता है। 3 चरण की परीक्षा होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर जाकर सफल उम्मीदवार केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग और मंत्रालय में ग्रुप बी और सी ग्रेड के अधिकारी बनते हैं।